प्रश्न आता है कि टीबी के केसेस को अबॉर्शन करवा लेना चाहिए या नहीं। जो जो सिंपल टीबी है, नॉर्मल टीबी है, जो आम तौर से जिसका डॉट से इलाज होता है, अगर माँ को ऐसा टीबी है तो अबॉर्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दवाई खाएं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। लेकिन अगर माँ को एमडीआर टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तब ये बहुत खतरे की बात है। और अगर प्रेगनेंसी की अवधि 5 महीने से कम की है तो अधिकतर डॉक्टर्स ये राय देंगे कि आप अबॉर्शन करवा लें। और अगर प्रेगनेंसी की अवधि 5 महीने से ज़्यादा की है, यानी कि अबॉर्शन का वक्त निकल चुका, अब आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, मान लीजिए कि एमडीआर 7वें महीने में हमने डायग्नोज किया, तो क्या करें? ऐसे में एक तरह का इलाज किया जाता है जिसे मॉडिफाइड डॉट्स प्लस कहते हैं। डॉट्स प्लस एमडीआर का इलाज है और डॉट्स प्लस की सारी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती, तो उसमें से कुछ दवाइयाँ जो बिल्कुल सेफ हैं वो बहुत सावधानी के साथ माँ को दी जा सकती हैं, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो ये बताना हमारा फ़र्ज़ है कि एमडीआर प्रेगनेंसी के साथ होना बहुत खतरे की बात है। रही अबॉर्शन की बात, अबॉर्शन कोई फ़ायदा तो करता नहीं है माँ को। अबॉर्शन के दौरान ब्लड लॉस भी होता है, थोड़ा इन्फेक्शन का भी खतरा है, और साइकोलॉजिकली माँ के दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है कि ये मैंने क्या कर दिया। बाद में गिल्ट की फीलिंग, डिप्रेशन और मानसिक तनाव, ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं और उनका आगे लंबे अरसे तक इलाज करना पड़ता है। तो अबॉर्शन की सिचुएशन ना ही आए, ये स्थिति हमारे सामने ना हो, यही बेहतर होगा।